केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आपके भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कथित अवैध संबंध को लेकर ओरसा पाठ पंचायत के मुखिया धर्मसाय नगेशिया एवं ओरसा पाठ पंचायत के ग्रामीणों के बीच मंगलवार को देर रात्रि जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के लोगों को चोट लगी है। घटना के संबंध में ओरसा पाठ के ग्रामीण सुभाष नगेशिया विक्टोर नगेशिया श्री नगेशिया टुन्नू नगेशिया राम बड़ाइक लवकरण नगेशिया राजू नगेशिया कलेश्वर नगेशिया आदि ने बताया। मुखिया धर्मसाय नगेशिया ओरसा पाठ पंचायत के ग्राम अम्बा कोना का रहने वाला है। शादीशुदा एवं बाल बच्चे दान रहने के बावजूद भी उसका अवैध संबंध ओरसा पाठ तेतरा टोली की एक विधवा महिला के साथ चल रहा है। इसी कारण वो हमेशा रात्रि में महिला के घर आता जाता रहता है। इससे ग्राम के रहने वाले लोगों पर गलत मैसेज फैल रहा है। मंगलवार को भी देर रात्रि लगभग 10 बजे मुखिया धर्मसाय नगेशिया अपनी मोटरसाइकिल से विधवा के घर पहुंचा। जब इसकी जानकारी सर्वप्रथम ओरसा पाठ के रहने वाले श्री नगेशिया टुन्नू नगेशिया विक्टोर नगेशिया सुभाष आदि को मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया व कहा कि रात्रि में क्यों आते हो, कुछ कार्य हो तो दिन में आइए। इतना सुनते ही मुखिया धर्मसाय नगेशिया भड़क उठा एवं वहां पर उपस्थित लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई के क्रम में ही विक्टोर नगेशिया घायल हो गया। हो हल्ला सुनकर और ग्रामीण भी पहुंचे एवं घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित होकर लोगों ने मुखिया की पिटाई कर दी। किसी तरह से मुखिया धर्मसाय नगेशिया अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसके उपरांत ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। बाद में दूसरे दिन बुधवार को शाम में मान मंडोवाल के उपरांत मोटरसाइकिल को छोड़ा। अवधेश कुमार जायसवाल के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार ब्यूरो रिपोर्ट। ये बताइए, ओरसा पाठ का जो ग्रामीण के द्वारा आरोप लगाया गया कि सहिया के साथ आपका अवैध संबंध है और रात में आप 12 बजे जाते रहते हैं, 3 बजे भोर में जाते हैं घर वहां से, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये गलत है ना। और कल मैं गया हुआ था तो मेरा भाई ने बुलाया था वहाँ, और प्लस में कोरोना का जो मैटर आया हुआ था मुझसे भी खबर करने गए थे। और वहाँ गए तो जब पंचर मेरा गाड़ी में देखा अपना, हमारा गाड़ी नहीं, हमारा भतीजे की गाड़ी है वो, इसलिए मैं देखा तो पूछा भाई क्या गाड़ी क्या है, तो क्यों ऐसा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि और मेन बात है क्या नाम, तो बोलते हैं पुकला, वो बोल रहा था डायरेक्टली तुम ब्रेक पर नहीं आते हो। हम कुछ नहीं बोले ज़्यादा उसको भी, हम बोले बाबू इसे तुम आए हो तो गाड़ी को नहीं खराब करना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, ग्रामीण के द्वारा जो आपको आपके साथ रात में मारपीट किया गया है 12 बजे रात में, हाँ। इस संबंध में क्या कहना चाहिएगा आप? वो जो लड़का, किस बात को लेकर मारपीट आपके साथ किया गया? मेरे पास मारपीट किया गया है कि हम गाड़ी के लिए बोले तो वो लोग हमसे मारपीट उतार हो गया। क्या नाम है बाबू? विक्टोर। विक्टोर, अरे मुखिया तुमको का बात को लेकर मारपीट किया है? अंदाजी पहले भी मारा था आदमी सबको, मेरा बाप लोग को भी मारा पहले, उसके बाद तो मतलब वो पूछे कि तुम काहे के लिए मारा, तो मेरे को ढकला। कहाँ पर तुमको मारा है, कहाँ पर चोट लगा है, दिखाओ तो। चोट तो है यहाँ पर, हाथ में चोट लगा हुआ है। कहाँ से मारा है बाबू? ढकल दिया। तो इसका विरोध करने पर मुखिया क्या बोलता है? और पहले बैल भी चोरी हो रहा था ना, उस टाइम हम लोग साइन करवाने के लिए भी गए थे, लेकिन साइन वो सब नहीं किया, और साइन करता तो बैल मेरा मिल जाता, कहे 10-15 गो बैल यहाँ से गायब हुआ। का नाम है? राहुल सुमारी। सुमारी, हाँ। अच्छा, ये धर्मसाय मुखिया जो ओरसा पाठ के रहे, हाँ। ये काले मारपीट करे ला काजा निकाले है, मीरा फोन करके बुला ला। कौन मीरा? कौन है लोग हर जी बोला ठीक सही है ने मैंने शिकायत आवा थी कि कोई विधवा औरत के साथ ही संबंध है, क्या सही बात है? रात में आवे, रोज दिन आवे, विरोध करा ला कि नहीं? तीन